गाइज वीडियो नंबर 4 स्टार्ट होती है, इनको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। बहुत इजी टॉपिक है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले आपको आने चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एंड में थोड़ा सा सावधान हो जाना बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइज। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, और हायर एजुकेशन में जाके इसी टॉपिक को बोला जाता है मोनोटोनिक फंक्शंस। तो मोनोटोनिक फंक्शंस वो होते हैं जो या तो इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। तो ओवरऑल इसका नाम मोनोटोनिक फंक्शन है, बट 12th में इसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की हेडिंग दी हुई है, तो इसी नाम से हम इसको जानेंगे। देखिए, 5 तरह के ग्राफ मैं आपको बना के दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो गाइस, अगर कोई फंक्शन का बिहेवियर ऐसा है, देखो इंक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज की रेट इसकी हो गई कम, फिर इंक्रीज हो रहा है बहुत फास्ट, फिर रेट हो गई इसकी कम, फिर इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह के जो फंक्शन है जो इंक्रीज तो होते हैं लेकिन उनका जो इंक्रीज होने का रेट है ना वो रेगुलर नहीं है, है ना। एक जगह फास्ट इंक्रीमेंट हुआ, फिर थोड़े से स्टीडी हो गए, फिर इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा कम हो गए, फिर इंक्रीज हुआ, तो उन्हें बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस। ऑलराइट, अब आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो गाइस जो लगातार इंक्रीज होते रहते हैं, ये देखो यहां पर क्या रेट एकदम बराबर है इंक्रीज होने का, तो उन्हें बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बताती है, सर एग्जाम में हमें इंक्रीजिंग लिखना है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखना है? अरे क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आपको वो लिखना है। अगर लिखा है इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग लिखो, अगर लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दिया होगा। ऐसे ही अब आता है डिक्रीजिंग। देखो एक ग्राफ का बिहेवियर अगर इस टाइप से है, देखो ये डिक्रीज हो रहा है, फिर रेट हो गया थोड़ा सा कम, फिर डिक्रीज हुआ, फिर स्टीडी हो गया, फिर डिक्रीज हुआ, इस तरह से, मतलब डिक्रीमेंट तो हो रहा है लेकिन लगातार डिक्रीमेंट नहीं है, रेट इसका एक जगह फास्ट डिक्रीमेंट है, फिर थोड़ा सा कम, फिर तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर इसका बिहेवियर ऐसा होता इस टाइप से, देखो तो देखो यहां पे क्या है, लगातार डिक्रीमेंट होता जा रहा है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये 4 तो फंक्शंस हो गए। अब मान लो मैं आपके सामने एक ग्राफ बना दूं इस टाइप से, ये देखो इस टाइप से, ए इस टाइप से, ध्यान से देखो यहां पे, देखो इंक्रीमेंट हुआ फिर डिक्रीमेंट हुआ, है ना, यहां तक फिर इंक्रीमेंट हुआ, तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दोनों काम हो रहे हैं, इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे बांट दूं यहां तक भाई, ए से लेके बी तक इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा, और अगर मैं इसे यहां तक बांट दूं बी से लेके सी तक, तो बी से लेके सी तक ये डिक्रीमेंट होगा, देखो लगातार डिक्रीज हो रहा है, और सी से लेके आगे तक, तो ये, तो जो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होते हैं उसके अंदर इंटरवल निकलते हैं कि भाई यहां से लेके यहां तक इसका क्या बिहेवियर है और यहां से लेके यहां तक इसका क्या बिहेवियर है। ठीक है, और जो लगातार इंक्रीज होते जाते हैं उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये 5 तरह के ग्राफ देख के आपको आइडिया हुआ होगा कि कैसे क्या होता है। तो अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं। एक छोटी सी थ्योरी और है, उसको और ध्यान से देख लो। देखो x1 यहां पर है और x2 यहां पर है, ओके? तो यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि x1 इज लेस देन x2, दिस इज बिगर, है ना, x एक्सिस पे जैसे जैसे जाते जाओगे बिगर वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो x1 इज लेस देन x2, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई फंक्शन मेरे पास है fx इस टाइप से, अगर मैं उसके अंदर x1 डाल दूं तो कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा, ऐसी मैं उसके अंदर डाल दूं x2 तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। अगर इसका आउटपुट ज्यादा आ गया, ठीक है, यानी ये वाला बिहेवियर अगर रहा, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा, या तो इंक्रीजिंग बोलो या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें नहीं बोलना है, क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर वहां लिखा है इंक्रीजिंग तो इंक्रीजिंग लिखेंगे, अगर वहां लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखेंगे। ठीक है, अगर मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाऊं तो देखो ऐसे बनेगा, x1 ये पॉइंट है, fx1 यहां कहीं होगा भाई, फंक्शन में मैं वैल्यू अगर डालूंगा तो आउटपुट यहां कहीं आएगा, fx2 अगर ज्यादा आया है तो यहां कहीं होगा। तो अगर मैं देखो ग्राफ इसको मिलाऊंगा तो देखो इंक्रीज का बिहेवियर आ गया इसका, ठीक है, ये मतलब है इस बात का, ओके। अब इसका उल्टा देखते हैं, x1 x2, तो यहां पे साफ साफ बात है कि x1 छोटा है x2 से और x2 कैसा है बड़ा, वही वाली बात जो यहां पर है वही यहां पर है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फंक्शन का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि मैंने उसमें x1 डाला और मैंने उसमें x2 डाला तो ये वाला आंसर बड़ा आ गया, ठीक है, फंक्शन कुछ इस टाइप का है, कैसा फंक्शन है वो तो उसमें दिया होगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं है, परेशान ना हो। तो अगर ऐसा हुआ, मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ऐसे बनेगा, x1 पर fx1 हाई है यानी यहां पर है, और x2 पर fx2 यहां पर है, तो देखो अगर मैं इसे मिलाऊंगा
तो फंक्शन मेरा डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये वाला बिहेवियर है तो फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाएगा, जो भी क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो ये भी एक तरीका होता है, ठीक है, नंबर वन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मेथड है वो ये है कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव, बिल्कुल सही सुन रहे हो, फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन इंक्रीजिंग कहा जाएगा, इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब बताती है इंक्रीजिंग बोलूं या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूं, वो तो क्वेश्चन में लिखा होगा, ठीक है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो से छोटा आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया, तो फंक्शन को बोला जाएगा डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली वर्ड जब लगाना है जब क्वेश्चन में दिया होगा। तो कुल मिलाकर किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर प्रूफ करना है तो हमारे पास दो मेथड है, एक तो थ्योरेटिकली इस तरह से, या फिर डेरिवेटिव से। आपको ज्यादातर ये ध्यान रखना है, हालांकि मैं ऐसा क्वेश्चन भी एक आपको बताऊंगा, बट ये ध्यान रखना है, ठीक है। डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव जीरो से बड़ा होगा, आंसर पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, और अगर आंसर नेगेटिव आएगा डेरिवेटिव का तो डिक्रीज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको नोट कर लो अभी अपने किसी पेज में। देखिए गाइज, आपके सामने 6 questions हैं, तो मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो पहले क्वेश्चन में इसने कहा है कि fx मेरा ये है, और शो करना है हमें कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देखो यहां लिखा हुआ है वर्ड स्ट्रिक्टली, तो हम भी स्ट्रिक्टली लिखेंगे, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को ऐसा ही बोलूंगा, एग्जाम में नहीं बोलना है, एग्जाम में फुल फॉर्म ही लिखनी है, ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर। अगले में भी वही लिखा हुआ है, फिर यहां भी वही लिखा हुआ है, यहां पर इंक्रीजिंग लिखा हुआ है देखो, तो मैं इंक्रीजिंग वर्ड बोलूंगा। इसे मुझे इंक्रीजिंग प्रूफ करना है तो मैं इंक्रीजिंग प्रूफ करूंगा, इसे मुझे डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। तो स्ट्रिक्टली वर्ड लिखा है तो आप भी लिख देना, नहीं लिखा है तो जो लिखा है वो लिखना। तो ये फंक्शन मेरे पास है, मैं अपनाऊंगा डेरिवेटिव वाला मेथड। मैंने किया इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बताओ जी 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इसका आएगा 0। तो देखो डेरिवेटिव होने पे जो आंसर आया, ये आंसर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑफ कोर्स ये आंसर पॉजिटिव है, ऐसे लिखा मैंने, ये आंसर कैसा है, पॉजिटिव है ना। लेकिन ये नहीं लिखना आपको, यहां पे ऐसे करके दिखाना है, हियर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये लिखना है कि आपने डेरिवेटिव किया और आपको ये कंडीशन अचीव हो गई, एफ डैश एक्स आपका यहां 0 से बड़ा आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। इसी बात को ऐसे लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। तो इसका मतलब आपका साफ हो गया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, आर का मतलब रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर डालो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा। तो देखो ये हमारा आंसर है। ये मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा हुआ था, अगर बोलता इंक्रीजिंग तो मैं इंक्रीजिंग वर्ड लिखता। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये वाली है यहां पर, जो ये लिखने वाली बात है। आगे देखो मेरा अगला सम ये रहा, इसका मैंने निकाला डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, बताओ जी ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, ई की पावर 2x ही रहेगा, दोबारा होगा 2x का, तो कितना आएगा 2, चेन रूल है ना, पहले फंक्शन का फिर इनर फंक्शन का मल्टीप्लाई में आता है, तो ये आ गया। अब देखो ये आंसर कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है? ये आंसर प्योर पॉजिटिव, कहीं नेगेटिव दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे करके लिखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसलिए क्योंकि उसने लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लास्ट क्वेश्चन देखो, मुझे शो करना है फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो पहले करूंगा मैं इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, 7 का हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा माइनस का 2। देखो डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो ऐसे लिखो एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है ना, कि यहां पर हमें ये कंडीशन अचीव हुई, और जब डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग लिखना है, स्ट्रिक्टली नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं लिखा हुआ। तो आई होप आपको समझ आए होंगे ये, ठीक है। ये दो क्वेश्चन मैं आपको अभी बताता हूं, और अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी जो मैंने नहीं बताया उन्हें आप ट्राई करो, ये मैं बताता हूं दो क्वेश्चन, ठीक है। देखो गाइज, इस न्यूमेरिकल को एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है बाय थियोरिटिकल मेथड। तो पहले मान लीजिए x1 x2 दो पॉइंट है, और x1 छोटा है x2 से, ग्राफ पर x2 बड़ा ही होगा ऑफकोर्स, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। अब इस x1 और x2 को ओरिजिनल क्वेश्चन की शक्ल में ट्रांसफॉर्म करो। ओरिजिनल क्वेश्चन है 7x-3, मतलब x के साथ 7 की मल्टीप्लाई और फिर माइनस का 3। तो एक काम करते हैं, x1 <x2> आपको दिख रहा है, 7 से बोथ साइड मल्टीप्लाई, तो आ गया 7x1 <x2>
दोनों तरफ माइनस थ्री लेस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बन गया 7x-3 क्या है, 7x1-3 क्या है, fx1, और 7x2-3 क्या है, fx2। तो देखो वही कंडीशन अचीव हो गई कि अगर x1 छोटा है x2 से तो fx1 भी छोटा है fx2 से। तो अगर ये कंडीशन अचीव हो गई तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो ये थ्योरेटिकल मेथड है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ओके। अदरवाइज आप डेरिवेटिव वाले मेथड को अडॉप्ट करना। तो गाइस टाइप 1 कंटिन्यू है और ये क्वेश्चन आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन मुझे प्रूफ करना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। ध्यान से देखो, 0 से पाई बाय 2 का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये इंक्रीजिंग है, आई नीड टू प्रूव इट। तो गाइस डेरिवेटिव तो करना पड़ेगा, तो पहले करो इसका डेरिवेटिव। पहले मैंने वाई वाले फंक्शन को एज इट इज कॉपी किया, इसमें ये एक फंक्शन है, माइनस में थीटा भी है, तो डेरिवेटिव यहां पे हमेशा लिखा करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इस तरह से ना आदत डाल लो, मैंने लिखता लेकिन आपको लिखना है। तो डिफरेंशिएट मैंने किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो मुझे मिला dy बाय d थीटा। यहां लगेगा जी क्वेश्चन रूल, लगाओ नीचे वाले एक्सप्रेशन का स्क्वायर, नीचे वाला एक्सप्रेशन एज इट इज, ऊपर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एक्सप्रेशन एज इट इज और नीचे वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव कैसे होता है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं याद तो ये वीडियो देखने का बेनिफिट नहीं होगा आपको। और थीटा का डेरिवेटिव माइनस का, माइनस यहां पर है थीटा का 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है। बच्चे इस बात को लिखना भूल जाते हैं, तो यहां थोड़ा अटेंटिव रहना है, ठीक है। आराम से 4 कोस की मल्टीप्लाई 2 में, 4 कोस की मल्टीप्लाई इसमें, माइनस माइनस प्लस, साइन की मल्टीप्लाई साइन में, ऐसा कुछ आया, ये जिंदाबाद है। ध्यान से देखो इस वाले एक्सप्रेशन को, अगर मैं इस वाले एक्सप्रेशन में 4 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वो 1 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए 4 यहां पर रह जाएगा, इतना आ गया। अब देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें माइनस 1 साथ साथ चलता जा रहा है, 4 कॉमन है, तो कुछ ऐसा आ गया, माइनस 1 वहां पर है। ध्यान से देखो ये पूरा एक्सप्रेशन कभी नेगेटिव हो सकता है नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि देखो ये वैल्यू कैसी है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, अंदर कुछ भी आ जाए, और ये वैल्यू पॉजिटिव है ही, क्योंकि 0 से लेके पाई बाय 2 में कुछ भी डालो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये सारा कुछ पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव में 4 की मल्टीप्लाई होगी तो नंबर और बड़ा हो जाएगा, उसमें से अगर माइनस 1 हो भी जाएगा तब भी तो रिजल्ट पॉजिटिव बचेगा। इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन यहां पर क्लियरली पॉजिटिव है। तो आपको क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म करते करते ऐसी शक्ल दे देनी है कि वो ऑटोमेटिक प्लस का ही दिखे, ये पूरा फंक्शन प्लस का दिख रहा है, दिखने को माइनस है, लेकिन अगर इस एक्सप्रेशन में से फाइनल वैल्यू में से 1 लेस होगा तब भी तो वो पॉजिटिव ही ट्रीट होगा। तो यहां पर लिखो हेयर जो डेरिवेटिव होके आया है dy by d theta greater than 0, ये वही बात है जो मैं ऐसे करके लिखता हूं f dash x greater than 0, तो ये कंडीशन यहां अचीव हो गई इस क्वाड्रेंट में जो कंडीशन दी हुई है। इसका मतलब y यहां पर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन ने इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो जैसा देश वैसा भेष, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी प्रैक्टिस करो, आगे मत बढ़ो, अगला बताता हूं मैं। ठीक है गाइस, तो एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने, ये y is equal to, देखो पूरा क्वेश्चन है और ये मुझे इंक्रीजिंग प्रूव करना है थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू जो भी रखो लेकिन माइनस 1 से बड़ी रखो, ये कंडीशन यहां दी हुई है, इसका बड़ा रोल होता है। तो भाई पहले डेरिवेटिव तो होगा, देखो अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि बीच में माइनस है, पता ही नहीं हमें कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो उसको डेरिवेटिव करके इसकी शक्ल ऐसी बनाओ कि क्लियर कट देखे ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रास्ता एकदम साफ हो जाना चाहिए। तो पहले मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आदत डाल लो लिखने की, y का होगा dy by dx, log का 1 अपॉन जो भी log के साथ है, दोबारा होगा x का तो 1, माइनस यहां क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, वो लगाना आपको आता है, ठीक है। माइनस ये रहेगा 2 की मल्टीप्लाई यहां पर, ऐसा कुछ हुआ, जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो गया, यहां बचा 4 अपॉन दिस। अभी भी यहां पता नहीं चल रहा है कि इसका प्योर पॉजिटिव है या प्योर नेगेटिव है, तो हम लेंगे एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई यहां और इसकी मल्टीप्लाई 4 में, इसमें और इसमें, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, नीचे आपस में ये बैठ जाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करो ऐसा आया, काटा पीटी करो ऐसा आया। ध्यान से देखो ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है क्या, कंडीशन x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी, माइनस 1 से बड़ी मतलब 0, 1, 2, 3 कुछ भी रखो, इसका रिजल्ट कभी लाइफ में 0 नेगेटिव आएगा ही नहीं। रीजन, माइनस 1 से बड़ी वैल्यू कुछ भी रखोगे कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, ये स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव, और x की वैल्यू माइनस 1 से बड़ी रखो 0 तो 1 आया, है ना, 1 आपने रखा 1 तो 2 आया, तो हमेशा पॉजिटिव। तो देखो यहां लिखा आपने क्लियरली डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, ये वही कंडीशन है जो मैं लिखता हूं
एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन अचीव हो गई एक्स ग्रेटर देन माइनस वन के लिए। मैंने फिर यहां लिखा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, यहां जगह नहीं बची थी। तो आई होप टाइप वन आपको समझ आई होगी, टाइप वन के क्वेश्चंस सारे यही हैं, दोबारा रिवाइज कर लो एक बार, ठीक है। टाइप टू पे आता हूं जी गाइस, टाइप टू के तीन क्वेश्चन आपके सामने, मैं बताऊंगा एक, बाकी दो आपके लिए, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस जितने भी हैं सब पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव और साइन का ऑपोजिट कोसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, चैप्टर टू में मैंने आपको बहुत सिखाया था। तो देखिए मैंने फंक्शन को उठाया लॉग कॉस एक्स और इसने बोला प्रूफ करो ये एसडी है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई नहीं आएगी, एग्जाम में फुल फॉर्म आएगी, तो आपको भी फुल फॉर्म ही लिखनी है, ये तो मैं लिख रहा हूं बस। तो इसने कहा है कि ये फंक्शन इस इंटरवल में जीरो से पाई बाय टू में डिक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली और थ्री पाई बाय टू से टू में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये आपको याद रखना है, ये जीरो से 90 होता है, ये 90 से पाई होता है, ये पाई से थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू से टू पाई, ये इंटरवल लिख लो किसी कॉपी में। अब बात आती है आगे, देखो लॉग के आगे किसी किसी की बुक में मॉड लगा होगा, किसी में मॉड नहीं लगा होगा। तो लॉग के आगे अगर मॉड लगा दे या मॉड ना लगाए इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का निकलता है। लगाया है तब भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाया तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो अगर लगा भी दिया है ना और आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डैश एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आप वन अपॉन कॉस एक्स ही लिखोगे, मॉड नहीं लिखोगे। ये मॉड तो लॉग के साथ होता है, लगाओ या मत लगाओ, ठीक है। तो किसी किसी की बुक में देखना मॉड होगा, किसी किसी की में नहीं होगा। तो लॉग कॉस एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन कॉस, ये मॉड नहीं आएगा यहां पर, ध्यान रखना। फिर होगा कॉस का दोबारा चेन रूल, भाई पहले मेन फंक्शन का फिर इनर का, कॉस का होगा तो आएगा जी माइनस का साइन एक्स, यानी डेरिवेटिव होके जो निकल के आया वो बना माइनस का टेन एक्स। यहां तक बात आती है। अब लेते हैं हम केस वन, इसने कहा है प्रूफ करो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इसमें जीरो से लेके पाई बाय टू के अंदर बात हो रही है। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर टेन कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, इतना देखो बस, टेन पॉजिटिव होता है। तो आप यहां लिखो कि टेन एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है स्ट्रिक्टली, मैं नीचे इसने बोला स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मैंने गलती से बोल दिया स्ट्रिक्टली, जब भी वर्ड होता है तो हम इक्वल भी साथ में लगा के चलते हैं। तो मतलब टेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, मतलब टेन एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और जीरो से बड़ी भी हो सकती है। आगे देखो इसके माइनस लगा हुआ है, अब लगाओ यहां माइनस, जैसे यहां मतलब इस एक्सप्रेशन की शक्ल ऐसी बनानी है हमें, तो जैसे ही आप यहां माइनस लगाओगे तो ये साइन ऑटोमेटिक बदल जाएगा, मालूम है ना, माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का सिंबल बदल जाता है। देखो कुछ ऐसा हो गया। अब देखो ये चीज तो सेम टू सेम ये बन गई और इसका नाम कौन है, एफ डैश एक्स। तो अब यहां लिखो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू जीरो, और आपको जैसे ये कंडीशन अचीव होती है कि डेरिवेटिव लेस देन जीरो, इक्वल तो इसलिए लगाया क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड में इक्वल चलता है, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव लेस देन जीरो, जैसे ये कंडीशन अचीव होती है तो इसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, एक बात तो प्रूफ हो गई, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम, आ गए जी थ्री पाई बाय टू से और टू पाई के बीच में, ये हो गया जी आपका फोर्थ इंटरवल, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो चलो जी चलते हैं फोर्थ में, देखो टेन कैसा होता है, फोर्थ में टेन नेगेटिव होता है, तो टेन एक्स लेस देन लगाओ जीरो, इक्वल इसलिए क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड है, स्ट्रिक्टली का मतलब लगातार इक्वल 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 इंक्रीज होता रहेगा, कहीं ऊंच नीच नहीं होगी, ठीक है ना। जब मैंने स्टार्टिंग में ग्राफ बताया था लगातार मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो सेम रहेगा, इसलिए इक्वल लगाया जाता है स्ट्रिक्टली में। अच्छा जी, तो ये तो हमने लगाया इसको देखकर, आगे देखो इसके आगे क्या है माइनस, मतलब इसकी शक्ल हमें बनानी है ऐसी, तो माइनस यहां पर लगाओ, तो माइनस लगाऊंगा तो देखो साइन बदल जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये चीज सेम टू सेम ये है और इसका नाम कौन है एफ डैश, तो ये बन गया जी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और आपको मालूम है ये कंडीशन जब अचीव होती है कि डेरिवेटिव जीरो से बड़ा हो जाए तो हम बोलते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस तरह से प्रूफ हो जाते हैं, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिए, खुद करो और दिमाग लगाओ और नोट्स बनाओ अपने। तो गाइज अब आपके सामने आ गई टाइप थर्ड, टाइप थर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें इंटरवल की बात होगी। तो देखो जब भी कोई क्वेश्चन आएगा ना इंटरवल बताओ, तो इसका मतलब आपको पांच स्टेप लगाना है। पहला फंक्शन आपको दिया होगा जो भी है, उसका डेरिवेटिव आप कर दोगे, डेरिवेटिव जो भी किया है उसे जीरो के इक्वल रखोगे, और कोई भी इक्वेशन जब जीरो के इक्वल रखी जाती है तो एक्स की वैल्यू कुछ तो मिलती है, तो जो भी एक्स की वैल्यूज मिलेंगी उन्हें बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट्स, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर लिख देंगे और बनाएंगे टेबल, टेबल की फॉर्म ऐसी होगी, ठीक है।
अभी ये कम समझ में आएगा, मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, पूरा समझ में आ जाएगा। एक बात लेकिन ध्यान रखें, जब भी क्वेश्चन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोले तो इस तरह के इंटरवल यूज होंगे, ओपन। और जब जब सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोले, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, तो इस तरह के इंटरवल यूज होंगे, क्लोज। तो ये बातें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है गाइस। चलिए ये स्टेप अपने दिमाग में रखो, क्वेश्चन आपके सामने, जैसे ही क्वेश्चन खत्म होगा स्टेप समझ में आ जाएंगे पूरी तरह से, परेशान मत होना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसने कहा इंटरवल बता दो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखी हुई आएगी, फंक्शन आपको दिया हुआ है तो आपको भी फुल फॉर्म लिखनी है। चलिए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स पहला स्टेप आ गया, देखो स्टेप में देखो ऊपर की तरफ एफ एक्स। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, डेरिवेटिव करो इसका जीरो हो जाएगा, माइनस फोर, इसका माइनस का टू एक्स। डेरिवेटिव क्यों हुआ ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद नाउ लिखकर डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख दो, माइनस फोर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। फोर उधर गया प्लस का फोर, और अपॉन में माइनस का टू गया तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का टू। क्रिटिकल पॉइंट आ गया जी एक, तो एक्स की वैल्यू एक भी आ सकती है, दो भी आ सकती है, तीन भी आ सकती है, जितनी भी आए आने दो, वो तो डिपेंड करता है कि इक्वेशन कैसी है। इसके बाद बनाएंगे जी नंबर लाइन, नंबर लाइन पे माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। नंबर लाइन पे बीच में कुछ नहीं लिखना, वही लिखना है जो आया है, माइनस टू कहीं भी लिख दो अंदाजे से माइनस टू, ठीक है। देखो नंबर लाइन पर अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं लिखनी, जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आया वही लिखनी है, कहीं भी आईडीए से नापातोली नहीं चलेगी। अब एक इंटरवल ये बन गया और एक इंटरवल ये बन गया। अब टेबल का यूज, तो इसी टेबल को जो स्टेप वाली टेबल है मैं यूज कर लेता हूं। इंटरवल उसमें हमेशा तीन ब्लॉक होंगे, इंटरवल साइन ऑफ एफ डेस एक्स, एफ डेस एक्स यहां लिख भी दो क्या था, तो एफ डेस एक्स आपका था ये माइनस का फोर और माइनस का टू एक्स, इस तरह से इसको लिख दो, ठीक है। ये नेचर लिखा हुआ है लास्ट में। तो गाइस पहला इंटरवल क्या है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस का टू, सारे ओपन इंटरवल आएंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड है। आगे क्या है, माइनस टू से प्लस इन्फिनिटी, सारे ओपन क्योंकि स्ट्रिक्टली वर्ड है, स्ट्रिक्टली जब भी होगा ओपन इंटरवल यूज होंगे, ये बात नोट बना के लिख लो आप। आगे देखो जी, जी गाइस तो बड़े आराम से देखना, माइनस इन्फिनिटी और माइनस टू के बीच में कोई भी नंबर सोचो, कोई भी नंबर। तो सपोज करो आपने सोचा माइनस का थ्री, माइनस थ्री माइनस फोर इस टाइप से आएंगे, तो आपने सोचा एक्स की वैल्यू माइनस का थ्री, माइनस का थ्री पुट करो इसके अंदर जहां एक्स है, देखो ये एक्स है, तो एक्स की जगह माइनस थ्री, माइनस थ्री की मल्टीप्लाई माइनस टू में हुई तो कितना आया प्लस का सिक्स, प्लस सिक्स में से माइनस फोर हुए तो कितना बचा प्लस का टू। तो प्लस बच रहा है या माइनस बच रहा है, टू से कोई मतलब नहीं, प्लस बच रहा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है, प्लस का बच रहा है, और प्लस का बचने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। आपको पता है जब ये कंडीशन होती है प्लस तो ऐसे लिखा जाता है, और जब ये कंडीशन अचीव होती है तो उसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा बताऊंगा, एक मौका और मिल रहा है, आराम से देखो। माइनस टू और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर सोचो, यहां से लेके यहां तक, तो बीच में आ रहा है क्या जीरो, तो रखो जी एट एक्स इज इक्वल टू कितना जीरो, क्योंकि माइनस टू के बाद ही आएगा कहीं ना कहीं जीरो, कुछ भी सोच लो सेम ही आंसर आएगा। रखो यहां पे एक्स की जगह जीरो, तो बचा माइनस का फोर, मतलब माइनस बच रहा है, फोर से कोई मतलब नहीं, साइन देखना है, नेगेटिव बच रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन पे हम ऐसे लिखते हैं एफ डेस एक्स लेस देन जीरो, और जब लेस देन जीरो होता है तो उसका मतलब एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, क्योंकि हमारा एक बार इंक्रीजिंग है और एक बार डिक्रीजिंग है, तो यही आंसर है, आगे लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दो तीन बार इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होता तो कैसे करते, ये अगले क्वेश्चन में सीखोगे आप। यहां थोड़ा सा ध्यान लगाना, एक बार दोबारा वीडियो रोक के समझ लो इसको, ठीक है गाइस। जी गाइस तो एक न्यूमेरिकल आपके सामने आ गया, इसे लिखा है फाइंड इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फुल फॉर्म लिखी हुई है कि एग्जाम में, तो ध्यान रखना आपको फुल फॉर्म लिखनी है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, स्टेप्स मैंने आपको बताए थे, पहला स्टेप फंक्शन ये रहा, दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, तो एफ डैश एक्स इसका डेरिवेटिव क्यूब आगे आ गया, तो सिक्स एक्स स्क्वायर टू आगे आ गया, एटीन एक्स, ट्वेल्व एक्स का ट्वेल्व, इसका हो गया जीरो। देखो जब डेरिवेटिव हो जाए ना तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया करो पूरा जितना हो जाए। तो माइनस सिक्स पहले कॉमन ले लो, अंदर ये बचा, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, तो देखो ये सॉल्व होके ब्रैकेट्स की फॉर्म में आ गया। तो जितना इजी बनाओगे कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगी। नाउ लिखो डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल, डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन ये सारा था, इसको रखो इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। यहां से तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि यहां तो एक्स ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से मिल गया x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू वन, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू टू, तो x की देखो दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब बनाओ नंबर लाइन, नंबर लाइन पे वही वैल्यू रखनी है जो निकल के आती है, फालतू नहीं रखनी,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वन यहाँ और टू यहाँ, आइडिए से रखते हैं, नापातोली नहीं करते। तो पहला इंटरवल मेरा ये रहा, दूसरा इंटरवल ये रहा, तीसरा इंटरवल ये रहा, ठीक है, याद रखना है। चलिए जी, क्योंकि इसने बोला है स्ट्रिक्टली, तो सारे इंटरवल देखो ओपन बनाने हैं आपको, राउंड ब्रैकेट लगाने हैं। यहां मैंने साइन ऑफ एफ डेस एक्स की जगह एफ डेस एक्स पूरा ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख दी, ठीक है। अब देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान देना एकदम, माइनस इन्फिनिटी और वन के बीच में कोई नंबर सोचो, सोचो इसके और इसके बीच में नंबर, तो आ रहा है जीरो सोच लो, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जीरो सोच लो, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, कोई कुछ भी सोचो सेम ही आंसर आएगा, कुछ भी सोच लो। तो आपने सोचा जीरो, रखो भाई इसमें रखो एफ डेस एक्स में रखो जीरो, जहां जहां एक्स है, पहले ब्रैकेट में तो रख नहीं पाओगे क्योंकि एक्स ही नहीं है, तो पहले का तो माइनस सेफ है, यहां रखो जीरो, अंदर क्या बचा माइनस वन, तो माइनस बचा, वन तो बाहर में जाए, हमें साइन देखना है खाली, यहां रखो जीरो, तो बचा माइनस टू, तो माइनस बचा, टू से कोई मतलब नहीं। फाइनल मल्टीप्लाई इसकी क्या आएगी, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में, प्लस, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में, माइनस नेगेटिव आएगी, और आपको पता है जब नेगेटिव आता है तो आप लिखते हो एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, और जब लेस देन जीरो है इसका मतलब हो गया एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इस तरह से टारगेट आपका अचीव हो जाता है, ठीक है। आगे सोचते हैं, वन और टू, वन और टू के बीच में कोई एक वैल्यू सोचो, 1.5 कुछ भी सोच लो, 1.5, 1.4, 1.6 कुछ भी। तो मैंने रखा x की वैल्यू 1.5, ठीक है, 1.5 रखो इसके अंदर, यहां तो रख ही नहीं सकते तो ये तो माइनस ही रहेगा क्योंकि x ही नहीं है ना, 6 है, ऐसी रहेगा ये, यहां रखो 1.5 माइनस वन, तो प्लस का 0.5, प्लस का साइन बचा, यहां रखो 1.5, 1.5 माइनस टू, तो माइनस का 0.5, माइनस का साइन बचा, मल्टीप्लाई करो माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, प्लस सब कुछ प्लस का हो गया, और जब प्लस का होता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जब ग्रेटर देन जीरो वाली कंडीशन अचीव होती है तो हम बोलते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। लास्ट टू से इंफिनिटी सोचो भाई इसके बीच की वैल्यू, तो 2.5 या 3 सोच लो, x रखा हमने 3 सपोज करो, 2 के बाद में आता है 3, यहां तो रख ही नहीं सकते, ये तो माइनस रहेगा ही रहेगा, यहां रखो जी 3, 3 में से गया 1, कितना आया 2, तो पॉजिटिव आया 2, यहां रखो 3, यहां भी पॉजिटिव आया, फाइनल आंसर की मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का आएगा, और माइनस का आने का मतलब लेस देन जीरो, और जब लेस देन जीरो वाली कंडीशन अचीव होती है तो हम बोलते हैं एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको फाइनल आंसर लिखना है क्योंकि यहां मल्टीपल आंसर आ गए, तो आप यहां लिखोगे इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए देखो कितने आए हैं, एक ही आया है, तो आंसर लिख दो 1.2, फिर लिखो इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कितने आए हैं देखो डिक्रीजिंग के लिए, एक ये आया डिक्रीजिंग और एक ये आया, तो इन दोनों को देखो ऐसे करके लिखना, माइनस इन्फिनिटी से वन, एक ये, और यूनियन टू से प्लस इन्फिनिटी, ऐसे करके, यानी जो डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले हैं उनको एक साथ लिखो और इससे उन्हें कनेक्ट करते चले जाओ, ठीक है। इंक्रीजिंग वाले का एक ही था तो ऐसे, तो दिस इज प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ऑलराइट। तो गाइज प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लो। देखिए गाइज एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कई बार, 6 मार्क्स के अंदर, ठीक है। तो इसने कहा इंटरवल बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ये फुल फॉर्म लिखी हुई आएगी तो आपको भी फुल फॉर्म लिखनी है। फंक्शन बहुत अजीबोगरीब भयंकर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप फंक्शन, ये खुद ही है। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, मैंने लिखा नहीं है, आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स की पावर 4 का 4 आगे आएगा 12, एक्स की 3, ये 12 एक्स की 2, ये 6x, और 36/5 ऐसी एक्स का 1 हो जाएगा और ये 0, ये डेरिवेटिव होके आ गया। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव जब हो जाए तो उसको वहीं पर ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, तो देखो 12 और 10 2 से कट हो जाएंगे तो ये बचा, बाकी सब कुछ एज इट इज, सबके अपॉन में ये है, इसके अपॉन में देखो कुछ भी नहीं है तो मैंने 1 मान लिया। ऊपर देखो 6 6 6 सब में क्या है कॉमन, तो मैंने 6 लिया कॉमन, और नीचे क्या है 5 5 5 सब में क्या है कॉमन, लेकिन कॉमन नीचे जब आएगा जब एलसीएम हो जाएगा क्योंकि यहां पर 5 नहीं है, तो मैंने 6/5 लिया कॉमन। ऊपर एक्स क्यूब बचा, यहां 6 बाहर आ गया 2 बचा, यहां 6 बाहर आ गया 6 बचा, बट यहां पर अपॉन में 5 नहीं था तो 5 का एलसीएम भी हुआ होगा और 6 बाहर आ गया तो इसलिए 5 बचा। नहीं समझ में आया तो एलसीएम लेके देख लेना। इसके बाद इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो ही नहीं पाएंगे। तो याद करो आपने 10th में या 11th में आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा, मेनली 10th में, फैक्टर थ्योरम या हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, या लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये वही है। इसमें क्या करते हैं, हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं। एक्स की वैल्यू मैंने इसके अंदर डाल के देखी, सपोज करो 1, यहां डालो
तो आया 1 माइनस का 2, यहाँ डालो x1, यहाँ डालो x1 माइनस का 5 प्लस का 6, तो मेरे पास आ गया 6 और 1 7, माइनस 7, और देखो 0 रिजल्ट आ गया। मतलब x की वैल्यू 1 डालने से मुझे 0 मिल गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका फैक्टर है ना। तो 1 को मैं यहां लाऊंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो उसको डिवाइड करो x माइनस 1 से। अगर x इज इक्वल टू 1 से बात नहीं बनती तो x इज इक्वल टू माइनस 1 ट्राई करते, उससे नहीं बनती तो x इज इक्वल टू 2 ट्राई करते। तो इस तरह से तीन चार वैल्यूज के अंदर आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड किया जाएगा। डिवाइड देखो ऐसे, इस पर रखो फोकस, x की 3 में किस हमें ये लेके आना है, तो सोचो x में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि x की 3 आ जाए, तो ऑफकोर्स एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो इस पूरे ब्रैकेट में, यहां होगा तो एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना क्यूब के नीचे क्यूब वाला लिखना है, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाला, ठीक है। इसके बाद साइन चेंज करो, यहां प्लस है तो माइनस लगाओ, माइनस है तो प्लस लगाओ, ये दोनों हो गए कट, ठीक है। प्लस ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन, माइनस 2 में से प्लस एक्स स्क्वायर गया, इसका कोई मतलब नहीं है अब इस माइनस का, तो ये बचा, बाकी सब ऐसे ही कॉपी कर लो। अब देखो यहां आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो सोचो एक्स में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, माइनस एक्स की, तो माइनस एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स की मल्टीप्लाई माइनस वन में करोगे तो प्लस एक्स, फिर साइन चेंज होगा, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कट हो गए, ये माइनस माइनस कुछ ऐसा आ गया, उसे ऐसे कॉपी किया। आगे देखो एक्स में किसकी मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 6x आ जाए, तो माइनस 6 की, माइनस 6 की यहां होगी तो माइनस 6x, यहां होगी तो प्लस 6x, साइन चेंज करो प्लस माइनस 0 आ गया, तो हमेशा रिमाइंडर 0 आएगा ऑलवेज, अगर नहीं आया तो आपने कुछ गलत किया है, हमेशा 0 आएगा। अब क्या होगा, ये जो पूरा एक्सप्रेशन था इसकी जगह एक तो ये लिखो और एक ये लिखो, यानी ये चीज इन दोनों का मल्टीप्लाई होके आया होगा, तो ये टूटकर ये और ये बन गए, तो देखो नया एफ डैश एक्स, ये तो जिंदा था अभी भी जिंदा है, और इसकी जगह ये और ये आ गए, देखो ये और ये, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट अब हो जाएंगे तो हो गए, तो देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। इसके बाद आपको पता है डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखेंगे, ये सारे एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल रखे, यहां से तो कुछ मिलेगा नहीं, यहां से मिलेगा एक्स की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू माइनस 2। अब इन सारी वैल्यूज को नंबर लाइन पे, इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, देखो तीन तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। चलिए जी नंबर लाइन पे आते हैं अब। हाँ जी गाइस, तो देखो नंबर लाइन पे वैल्यू सारी प्लॉट हो गई, एक इंटरवल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चार इंटरवल बने, मैंने सब कुछ लिख दिया, ये मेरा फंक्शन भी इधर लिख दिया, इसका कोई मतलब नहीं, अगर मैं इसे ब्रैकेट बनाऊंगा भी तो कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये हमेशा प्लस ही देगा, एक्स तो है नहीं, माइनस होता तो मैं यहां पर इसको भी यूज करता, तो उसको मैं अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पहला इंटरवल। सोचो भाई माइनस इन्फिनिटी और माइनस 2 के बीच में कोई नंबर, माइनस 3, मैंने माइनस 3 यहां पे सोचा, यहां रखो माइनस 3, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 नेगेटिव आ रहा है, यहां रखो माइनस 3, माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 नेगेटिव आ रहा है, यहां रखो माइनस 3, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 नेगेटिव आ रहा है, तो मैंने देखा तीन नेगेटिव आ गए, मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव आएगा, जैसे ही नेगेटिव आएगा एफ डैश एक्स लेस देन 0, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इसके बाद सारे आपको आते होंगे, आंसर टेबल बना के मत छोड़ना एंड में, वो वाली बात क्या, जैसे दो जगह डिक्रीजिंग आ जाए तो डिक्रीजिंग 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 वालों को यूनियन से जोड़ देना, है ना, इसमें और इसमें, ऐसी इंक्रीजिंग आ जाए तो उन्हें इंक्रीजिंग से जोड़ देना, लिख देना एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस तरह से यूनियन जोड़ के, और डिक्रीजिंग भी इस तरह से, ठीक है। आई होप अब आपको टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, इसे पूरा करो अभी। तो गाइज अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, लेकिन मेथड एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। इसने कहा इंटरवल बताओ जिसके अंदर ये फंक्शन है, कंडीशन दी है 0 से लेकर 2 पाई तक, इसका बड़ा रोल है भाई कंडीशन का, ठीक है। इसमें नंबर लाइन जब बनाएंगे तो इन्फिनिटी नहीं लेंगे, ये लेंगे यहां से लेकर यहां तक, कैसे बताऊंगा, वेट करो। और ये साइन भी यहां पे देखना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। स्टेप हमारे सेम है, पहला स्टेप फंक्शन, तो देखो पहला स्टेप फंक्शन का कंडीशन लिख दी यहां पर। दूसरा स्टेप डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, डेरिवेटिव हो गया। तीसरा स्टेप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, तो ये मैंने रखा। अब यहां से मुझे x निकालना है, x की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट, तो क्वेश्चन को पहले इजी फॉर्म में बनाओ। एक काम करते हैं, कॉस को उठा के वहां ले जाते हैं, माइनस का साइन, माइनस से माइनस हो गया कट, और कॉस ना डिवाइड कर दो इसे पूरे को कॉस से, तो जब साइन कॉस से डिवाइड होगा तो बनेगा 10, साइन अपॉन कॉस 10, और कॉस कॉस से डिवाइड होगा तो बनेगा 1, 10 की वैल्यू 1 आ गई। देखो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव। अब आपको सोचना है 10 पॉजिटिव कहां कहां होता है, 10 पॉजिटिव एक यहां होता है और एक यहां होता है। एक बात आपको बता रहा हूं जो याद रखनी है, यहां पर थीटा बोलते हैं, यहां पाई माइनस थीटा, यहां पाई प्लस थीटा, और यहां 2 पाई माइनस थीटा, ये सिस्टम याद रखना हमेशा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, फोर्थ में, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में टू पाई माइनस थीटा। तो टेन पॉजिटिव है तो हम सोचेंगे यहां के बारे में और यहां के बारे में। अगर टेन के आगे माइनस वन होता तो टेन नेगेटिव, तो हम यहां के बारे में और यहां के बारे में सोचते। ये बात याद रखना, जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है उसको भी ये बात याद रखनी है, परेशान नहीं होना है। तो टेन एस कैसा है? पॉजिटिव। तो सोचो टेन की वैल्यू वन कब होती है, सोचना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, पाई बाय फोर पर होती है, 45 डिग्री पर। ये तो ये मिल गया थीटा। अब यहां जाओ, क्योंकि पॉजिटिव है तो दो ही जगह जाओगे, तो यहां जाने के लिए ऐसे लिखना एंड करके, और एक्स इज इक्वल टू कितना, पाई प्लस ये वाला जो निकल के आया पाई बाय फोर, तो आंसर आ गया 5 पाई बाय फोर। तो एक्स की दो वैल्यू आ गई, एक ये और एक ये, दोनों क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो टेन एक्स हमारा नेगेटिव वन आया होता तो टेन की वैल्यू नेगेटिव कहां कहां होती है, यहां पर और यहां पर। तो पहला आता पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाय फोर ही, क्योंकि टेन की वैल्यू वन तो पाई बाय फोर पे ही होती है, माइनस की वजह से ये हो रही है आते, तो पाई माइनस पाई बाय फोर सॉल्व करके थ्री पाई बाय फोर आ जाता है ये। ऐसे फिर ये यहां आते तो टू पाई माइनस पाई बाय फोर, फोर टू सा सेवन पाई बाय फोर आ जाता। समझ में आई बात? तो याद रखना इस बात को, नहीं समझ में आ रही वीडियो को रोक दो और पहले इस पर दिमाग लगाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। एक्स की वैल्यू ये और ये, एक्चुअली जीरो से लेकर टू पाई तक जाना है, इसलिए दोनों वैल्यू जीरो से लेकर टू पाई के बीच में आ रही है। अगर यहां लिखा होता जीरो से लेकर पाई बाय टू तक, जीरो से लेकर नाइनटी तक, तो हम सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकालते, ये वाला, क्योंकि जीरो से लेकर नाइनटी तो इतना ही है ना, तो हम यही रुक जाते। ठीक है, यहां लिखा है जीरो से लेकर टू पाई तक, मतलब पूरा साइकिल, तो पूरे साइकिल में दो बार ऐसी वैल्यू मिली जहां टेन वन होता है। बड़े ध्यान से इस बात को लिख लो, वीडियो को रोक दो, सुन लो पहले। ठीक है, अब बनाएंगे नंबर लाइन, ये बनी नंबर लाइन। नंबर लाइन में यहां लेते हैं माइनस इन्फिनिटी, यहां लेते हैं प्लस इन्फिनिटी, लेकिन नहीं, हमें कंडीशन दी हुई है, तो स्टार्ट करना है जीरो से और एंड करना है टू पाई पर, और वैल्यू डालनी है ये वाली जो आई है, ये पाई बाय फोर है, ये फाइव पाई बाय फोर है, ऑफकोर्स ये छोटी है और ये बड़ी होगी, अंदाजे से लगा दो पाई बाय फोर और यहाँ फाइव पाई बाय फोर, इंटरवल एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। बनाओ जी, पहला जीरो से पाई बाय फोर, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली है तो हमेशा ओपन आएंगे, लेकिन यहां देखो ऐसा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो जीरो के साथ इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो आगे ना बात इंपॉर्टेंट, अगर ये साइन ना दिया होता इक्वल वाला तो यहां पर भी ओपन आता, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये, देख लो बच्चों से गलती होती है। इसके बाद क्या है, पाई बाय फोर से फाइव पाई बाय फोर सारे ओपन आएंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली है। फिर कितना है, फाइव पाई बाय फोर से टू पाई, ये ऐसे आएगा, ये ओपन आएगा, रीजन रीजन वही, टू पाई के आगे देखो इक्वल का साइन है, इसलिए ये क्लोज हो गया। ठीक है, अब और समझने वाली बात आ गई। अब देखो जीरो से 45 के बीच में सोचो कोई वैल्यू, 30 डिग्री, तो सोचो यहां पे एट एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, डिग्री लिख दो कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया कॉस 30, ये बन गया साइन 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है कितनी, रूट 3 बाय 2, और साइन 30 की वैल्यू 1 बाय 2, तो सोचो रूट 3 बाय 2 बड़ा है या 1 बाय 2 बड़ा है, रूट 3 बाय 2 इज मोर, ज्यादा है वो, और ये 1 बाय 2 छोटा है, तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस होगी तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। और आपको पता है जब पॉजिटिव आता है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, बड़े ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन दमदार है, आना चाहिए, जान लगा दो उसके अंदर। फिर सोचो ये कितना है, 45 और ये 135 जो भी है, इसके बीच में कोई नंबर सोचो, तो 60 डिग्री सोच लो भाई, तो एट एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 60 यहां रखो, कॉस 60 साइन 60, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाय 2 और साइन 60 की रूट 3 बाय 2, कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा माइनस होगा तो साइन बड़े वाले का माइनस, तो यहां नेगेटिव रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक बिहेवियर होता है। ठीक है, क्या बिहेवियर है, जो जब क्वेश्चन हमारा साइन और कॉस में होता है, अगर एक इंक्रीजिंग आ गया तो दूसरा डिक्रीजिंग आएगा, तो तीसरा भी इंक्रीजिंग आएगा, तो बिना कुछ सोचे लिख दो प्लस और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी, ये इंक्रीजिंग है, यही आंसर नहीं आया, अभी इन दोनों को आपको कंबाइंड भी करना है, तो आपको यहां लिखना है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, इसको और इसको यूनियन बना के ऐसे करके, जीरो से पाई बाय फोर ये ऐसे यूनियन, और ये फाइव पाई बाय फोर से टू पाई, इस तरह से, एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ये सिंगल है, तो ये बात आप खुद लिख देना, मैंने छोड़ दिया आपके लिए। ठीक है, ये जो बात है ना, ये जो मैं बातें यहां पे लिखता हूं, ये एग्जाम में लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप ये नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, या आपने यहां लिखा यहां नहीं लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा सा जान लगाना यहां पे ट्रिग्नोमेट्री की दिक्कत है। ठीक है, एक तो ये याद रखें और एक याद रखें कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए।
दोबारा रिवाइज कर लो इसको। देखिए जी, एक क्वेश्चन और आ गया, इसने लिखा है फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, ये फंक्शन है और देखो इंटरवल ये रहा, 0 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में वैल्यू है, तो लिमिटेशन पर ध्यान रखना है। इसने कहा इंक्रीजिंग और कहा इसने डिक्रीजिंग, कोई दिक्कत नहीं। पहला स्टेप फंक्शन का साइन 3x, कंडीशन हमने इसको ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है इसलिए इक्वल भी है। डेरिवेटिव किया साइन का कॉस 3x, दोबारा होगा 3x का 3, डेरिवेटिव हो गया, 0 के इक्वल रखा, डेरिवेटिव को रखा, ठीक है, ये 3 गया 0 में, ऐसा आ गया। कॉस अगेन देखो 0 कैसा है, पॉजिटिव, तो सोचो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां होती है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में, तो फर्स्ट में थीटा और फोर्थ में 2π - θ, ये मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ थीटा, यहाँ π - θ, यहाँ π+θ और यहाँ 2π - θ, ये याद रखना है। ये अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के हिसाब से सोचना है, नेगेटिव आंसर आया तो नेगेटिव के हिसाब से। अभी कॉस कैसा है, पॉजिटिव, तो कॉस पॉजिटिव यहां और यहां होता है तो दो वैल्यू आएंगी निकल के। अब याद रखो कॉस की वैल्यू 0 होती है कब, 90 पे, तो थीटा हमारा 3x माना जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 90, ये तो ये वाली कंडीशन आई, 3 आ गया अपॉन में x की वैल्यू π/6 आ गई। फिर 3x इज इक्वल टू ये कंडीशन 2π - θ, 2π - θ तो π/2 ही रहेगा स्टार्टिंग वाले ही, एलसीएम लो 3π/2, 3 से 3 कटा, x की वैल्यू आ गई, लेकिन ये वाली वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है कि π/2 तक ही हमें जाना है, तो केवल ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी, ठीक है, ये तो ऑलरेडी इंटरवल के अंदर अवेलेबल है, π/2, देखो π/2 पे एंड हो रहा है। अब बनाएंगे नंबर लाइन, बनाओ जी, तो 0 से लेके π/2 तक नंबर लाइन, 0 से लेके π/2 तक नंबर लाइन, बीच में जो वैल्यू आई है π/6 30 डिग्री, तो एक ये रहा और एक ये रहा, क्योंकि इसने बोला है इंक्रीजिंग तो सारे क्लोज इंटरवल बनेंगे, देखो सारे क्लोज है, ठीक है, यहां तो क्लोज इसने दे ही रखा था तो ये सारे क्लोज है। डेरिवेटिव का मैंने यहां पे लिख दिया 3 cos 3x, अब निकालेंगे इसका नेचर, सोचो 0 से 30 के बीच में कोई नंबर सोचो, 0 से 30 के बीच में, वैसे तो आप 30 भी ले ही सकते हो लेकिन आप कुछ और सोच लो, सपोज करो आपने सोचा 20, ठीक है 20 डिग्री, कुछ भी सोच लो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम यहां देखेंगे, रखो इसके अंदर 3 cos, यहां रखो 20 into 3 cos 60, cos 60 कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 से लेकर 90 तक, तो फर्स्ट में ये पॉजिटिव होगा पूरा एक्सप्रेशन, मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब इंक्रीजिंग। अब आगे सोचो यहां से 30 से लेके और 90 के बीच में कुछ भी सोचो, आपने सोचा 60, रखो इसके अंदर यहां पर x की जगह, तो आया जी cos 180 हो गया, ये cos क्या हो गया 180, तो cos 180 कहां गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और याद करो सेकंड में cos नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखना है, नेगेटिव हो गया तो उसका मतलब लेस देन 0, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, क्योंकि यहां सिंगल सिंगल आंसर आए तो यही आपका आंसर है, एंड में बस लिख देना फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस एंड फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन दिस। अगर दो दो आए होते तो यूनियन लगा के जोड़ते, मैंने बताया था आपको लास्ट, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखिए गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसने लिखा है फाइंड इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसने कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, वरना ट्रिग्नोमेट्री या कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें कंडीशन दी होती है 0 से 2π, 0 से π/2, तो अगर कोई कंडीशन ना दी हो तो आप 0 से 2π तक ही मान के चलें, ठीक है, ये आप खुद मान के चलें। ऑलराइट, तो पहला स्टेप फंक्शन, तो फंक्शन ये रहा, मैंने इसे थोड़ा सा ठीक करके लिखा, देखो मैं इसके अंदर ना माइनस का x कॉमन ले लिया, तो माइनस x कॉमन लिया, अंदर बचा 2 + cos, अब मैंने कर दिया इसे अलग अलग, 4 sin के अपॉन में ये वैल्यू ये आ गई, और इस पूरे एक्सप्रेशन के अपॉन में ये वैल्यू, तो ये कटकर सिर्फ x हो गया, ठीक है। इसके बाद डेरिवेटिव, क्वेश्चन टू लगाया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी हो चुका था अगर आपने ध्यान दिया हो, वहां थीटा में था ये क्वेश्चन, ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया, सॉल्व किया करते करते मैं यहां तक आ गया, ओके, अब मैं इसे रखूंगा इक्वल टू 0, या मैं इसे अभी सॉल्व करता हूं। देखिए मैंने क्या किया, यहां इसके अपॉन 1 मान के एलसीएम लिया, इसमें कुछ ऐसा आया, इसे मैंने खोल दिया ए प्लस बी के स्क्वायर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर गया, साइन चेंज हो गए, जो कटना था वो कट गया, प्लस माइनस होने के बाद कुछ ऐसा आया, इसमें कॉस एक्स कॉमन ले लिया, यहां तक आ गया, ठीक है। अब मैं रखता हूं इसे इक्वल टू 0, डेरिवेटिव हो चुका है, मैंने रखा इसको 0 के इक्वल, तो ये मेरा f(x) आ चुका था, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो ये सारा जाएगा 0 में, बचा ये और ये, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 और 4 - cos = 0, तो यहां से आई कॉस की वैल्यू 4, कॉस की वैल्यू कभी 4 हो ही नहीं सकती, आपको याद होगा कॉस का ग्राफ मैक्सिमम 1 तक जाता है और मिनिमम -1 तक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कॉस आ गया 0 और कॉस कैसा है, पॉजिटिव, तो सोचो पॉजिटिव होता है कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ में, या थीटा या 2π - θ, मैंने बता रखा है
या थीटा होता है, या पाई माइनस थीटा होता है, या पाई प्लस थीटा होता है, या टू पाई माइनस थीटा होता है, डिपेंडिंग अपॉन प्लस माइनस। तो ये प्लस आया तो हम यहाँ और यहाँ लेंगे, तो कॉस की वैल्यू जीरो होती है 90 पर, और एक यहाँ टू पाई माइनस थीटा की जगह 90 रखा जाएगा, जो पहला आता निकल के ये वाला सॉल्व करेंगे 3π/2। नंबर लाइन यहाँ पे कंडीशन दी नहीं हुई थी, तो जब ना दी हो तो पूरा एक पीरियड लिया जाता है जो जीरो से लेके 2π तक होता है। तो π/2 पुट कर दो, 3π/2 जो निकल के आए हैं, तो एक इंटरवल ये रहा, एक इंटरवल ये रहा, एक इंटरवल ये रहा। ठीक है, अब बनाऊंगा मैं टेबल। जी गाइस, अब आ गई टेबल आपके सामने, बड़ी भयंकर टेबल है, बड़े आराम से देखना। तो पहला इंटरवल, सारे इंटरवल मैंने यहाँ बना दिए। अच्छा, कुछ बच्चों की बुक्स में ना ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, कुछ की में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो जैसा लिखा है वैसा बिहेव करना इंटरवल के हिसाब से। ठीक है, तो मैं गया 0 से 90 के बीच में, मैंने लिया 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो कॉस होता है पॉजिटिव। ठीक है जी, पॉजिटिव यहां रखो, कॉस पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू जो भी होगी वन से ऊपर तो नहीं जाएगी, तो 4 में से जो भी माइनस होकर आएगा पॉजिटिव ही बचेगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और नीचे तो हमेशा पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, तो नीचे की टेंशन ही नहीं। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फाइनल वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो ग्रेटर देन 0 डेरिवेटिव, और ये कंडीशन अचीव होती है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है जी, आगे आते हैं। अब आगे 90 से 3π/2 के बीच में, तो इसके बीच में कोई वैल्यू सोच लो, कुछ भी सोच लो, आपको वैल्यू ना पता हो तब भी सोच लो, बस क्वाड्रेंट का सिस्टम पता होना चाहिए। तो आपने सोचा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कॉस नेगेटिव, तो ये तो होगा नेगेटिव, ध्यान रखना आगे एक नेगेटिव आ चुका है, यहां पे रखो कॉस नेगेटिव लेकिन एक नेगेटिव, तो ये हो गया पूरा पॉजिटिव, और नीचे तो हमेशा पॉजिटिव ही है क्योंकि स्क्वायर है, नीचे रखने की जरूरत ही नहीं है। तो ऊपर एक नेगेटिव और यहां पे पॉजिटिव था, क्योंकि कॉस था तो नेगेटिव, लेकिन इस नेगेटिव ने बना दिया उसे पॉजिटिव, तो पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव। आगे नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और मैंने आपसे कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर, एक इंक्रीजिंग एक डिक्रीजिंग, तो अगला उसका ऑपोजिट आएगा, तो डायरेक्ट लगा दो, या लॉजिक सीखना है लॉजिक भी सीख लो भाई। 3π/2 से 2π के बीच में सोचो कोई नंबर, तो मैंने सोचा 300 डिग्री, हालांकि मुझे 300 डिग्री की वैल्यू नहीं पता होता, लेकिन फिर भी मैंने सोच लिया। तो यहां रखो कॉस 300 डिग्री मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहेगा पॉजिटिव, कॉस ये भी रहेगा पॉजिटिव, तो 4 में से वो वैल्यू माइनस होगी तब भी पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि कॉस की वैल्यू 4 से ज्यादा कभी आएगी नहीं, और नीचे कुछ सोचना ही नहीं क्योंकि स्क्वायर है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जब भी ऐसे आए तो एंड में आंसर ऐसे करके देना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एक बार है तो एक बार, इंक्रीजिंग 2 बार आया है तो यूनियन लगा के उसको जोड़ के दिखा देना है। ठीक है, इस सवाल को दोबारा से ट्राई कर लेना प्लीज। गाइस देखिए, न्यूमेरिकल शो दैट fx इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये पूरा इसका एंगल है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसने कहा ये पूरा फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में 0 से 45, प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं, fx दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन भयंकर आएगा लेकिन लॉजिक वही रहेगा, कॉन्सेप्ट नए नहीं है, कॉन्सेप्ट फिक्स्ड है, क्वेश्चन आते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करोगे ज्यादा क्वेश्चन तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। डेरिवेटिव tan इनवर्स का याद करो 1/1 एंगल का स्क्वायर, याद करो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 x स्क्वायर, तो tan इनवर्स समथिंग का 1/1 समथिंग का स्क्वायर, दोबारा समथिंग का डेरिवेटिव चेन रूल, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। ठीक है, इसे ओपन कर दो a+b के होल स्क्वायर से, a² + b² + 2ab ऐसा हो गया। आपको मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये 1 और ये 1 मिलकर 2 हो गए, बाकी सब कुछ ठीक है। देखो नीचे तो हमेशा पॉजिटिव दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर देखो नेगेटिव का चक्कर है, तो कोई भी वैल्यू लो 0 और 45 के बीच में, कुछ भी सोचो, आपने सोचा 30 डिग्री क्योंकि 0 45 के बीच में ही सोचना है। ठीक है, कंडीशन दी हुई है तो इसमें रखो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में cos 30 माइनस साइन 30, आपको मालूम है cos 30 √3/2 होता है, साइन 30 1/2, तो √3/2 बड़ा है, ठीक है, -1/2 से, तो प्लस माइनस जब भी होता है तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो प्लस का साइन आएगा, इसका मतलब क्लियरली ये पूरा फंक्शन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है इस कंडीशन पे, इसका मतलब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो क्वेश्चन की शक्ल देख के डरना नहीं है, ठीक है, ध्यान से अभी अभी कर लो। गाइस देखिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं, तो मैं कुछ हिंट दूंगा आपको, आप देख लेना। पहले क्वेश्चन में इसने कहा है शो करो ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है ये, शो करो। तो आप नॉर्मल पहले इसका fx निकालना, ये दिया हुआ x² - x+1, फिर डेरिवेटिव निकालना इसका, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालना जो कि हाफ आएगी, नंबर लाइन पे -1 1 और हाफ यहाँ आ गया, एक इंटरवल ये रहा और एक इंटरवल ये रहा, आप बनाना उसके अंदर टेबल। टेबल के अंदर अगर सारे इंक्रीज इंक्रीज आ जाए तो फंक्शन इंक्रीजिंग, सारे डिक्रीज डिक्रीज आ जाए तो फंक्शन डिक्रीजिंग,
अगर एक इंटरवल में इंक्रीजिंग और एक में आ जाए डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो नॉर्मल भाई जितने भी क्वेश्चन इंटरवल वाले होते हैं तो उसमें एक इंक्रीज आता है, एक डिक्रीज आता है, या डिक्रीज इंक्रीज आता है, तो ओवरऑल फंक्शन वो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड से ही सॉल्व करना है, तो ऑटोमेटिक एक बार इंक्रीजिंग आ जाएगा एक इंटरवल में, एक बार डिक्रीजिंग, तो लिख देना हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल, मतलब इसमें एक बार इंक्रीज हुआ है एक बार डिक्रीज हुआ है, तो पूरी तरह से इंक्रीज डिक्रीज नहीं माना जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, इसने कहा लीस्ट वैल्यू बताओ ए की, हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसने ये बोला हुआ है। तो भाई फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो आपको मालूम है ना, पहले करो उसका डेरिवेटिव, ये आया 2x प्लस ए, ठीक है जी, यहां तक आओ। फंक्शन इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये बात साफ हो गई कि एफ वन, जो एफ वन है ना, और जो एफ टू है, यानी ये वैल्यू बड़ी होगी। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ये एक्स वन है और ये अगर एक्स टू है और फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो एफ एक्स टू बड़ा होगा एफ एक्स वन से, है ना। अब इसने कहा लीस्ट, तो लीस्ट तो ये हो गया ना छोटा, तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ ये डाल दो, टू एक्स की जगह वन प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस टू से बड़ी। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगला इसने कहा इंटरवल बताओ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए, ये दे दिया। तो वही नॉर्मल, पहले डेरिवेटिव प्रोडक्ट टूल लगा के, इसके बाद डेरिवेटिव आ जाएगा, उसे उसी हालत में पहले ठीक करना कॉमन लेके, उसके बाद जीरो के इक्वल नंबर लाइन टेबल। तो इनको ट्राई कर लो गाइस प्लीज। तो गाइस ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, सीबीएसई में आया हुआ है, पैटर्न वही है जो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है, बल्कि मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको बताया भी है। देखो इंटरवल इसने दिए जीरो से लेके पाई तक, और यहां इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। तो पहला स्टेप क्या है, फंक्शन ये रहा, तो फंक्शन का स्टेप लगाया, डेरिवेटिव साइन थ्री एक्स का कॉस थ्री एक्स, थ्री एक्स का दोबारा होगा थ्री, कॉस थ्री एक्स का माइनस साइन थ्री एक्स, तो प्लस हो गया, दोबारा होगा थ्री। नाउ डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखा, इसको मैं उठा के उधर ले गया, मैंने क्या किया थ्री से थ्री हो गया कट, और कॉस थ्री एक्स से डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी, ये डिवाइड हुआ तो साइन अपॉन कॉस बन गया टेन, ये डिवाइड हुआ तो माइनस वन। टेन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सोचो टेन नेगेटिव कहां कहां होता है, एक सेकंड में और एक फोर्थ में, ये पता होना चाहिए आपको आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कौन कहां पॉजिटिव कौन कहां नेगेटिव। तो टेन नेगेटिव यहां और यहां होता है, ठीक है, और आपको मालूम है यहाँ थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ पाई प्लस थीटा, यहाँ टू पाई माइनस थीटा, हम टिक वालों पर रहेंगे तो यहां जाएंगे, तो एंगल मेरा 3x है, थीटा मेरा 3x है, तो 3x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, ये वाला थीटा यहां से निकलता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है ये। तो सोचो टेन की वैल्यू वन कब होती है, पाई बाय फोर, तो ये वाला थीटा पाई बाय फोर है, और ये जो 3x है ये इधर वाला x है, ठीक है गाइस। चलो एलसीएम लो, फोर में से ये गया थ्री पाई बाय फोर, थ्री अपॉन में आया, थ्री से थ्री कट हो गया, x की वैल्यू ये आ गई, यहां निकालो ऐसे ही, एंगल मेरा 3x है इज इक्वल टू टू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा की वैल्यू वही वन कब होती है, पाई बाय फोर पे, एलसीएम लो, फोर टू सा एट में से गया सेवन पाई बाय फोर, थ्री अपॉन में आया ट्वेल्व, ये 105 डिग्री माना जाएगा, एक्चुअली पाई 180 होता है, रख के देख लो, काटा पीटी करोगे 105, तो ये 45 है, ये 105 है, जीरो और पाई के बीच में, अब बनेगी नंबर लाइन, एक जीरो और एक पाई, यहां कहीं पाई बाय फोर और यहां कहीं सेवन पाई बाय फोर अंदाजे से, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, अब बनाएंगे टेबल। आई होप समझ आ रहा होगा जी, बन गई टेबल, इंटरवल मैंने लिख लिया जीरो से 45, तो जीरो से 45 के बीच में कोई भी नंबर सोचो, 30 डिग्री रखो यहां पे 30, तो ये बन जाएगा कॉस 90, यहां रखो 30 एक्स की जगह थ्री मल्टीपल, तो बन जाएगा साइन 90, कॉस 90 जीरो, साइन 90 वन, तो पॉजिटिव बचा, देखो पॉजिटिव, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। आगे सोचो 45 और 105 के बीच में कोई वैल्यू सोचो, तो 60 डिग्री रखो यहां पे कॉस, यहां रखो 60, तो बनेगा कॉस 180, यहां रखो साइन 180, साइन 180 जीरो होता है, कॉस 180 माइनस वन होता है, याद रखना कॉस 180 डिग्री इज माइनस वन, साइन 180 डिग्री इज जीरो, याद रखना। तो ये तो हो गया जीरो, ये हो गया माइनस, तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का बिहेवियर एक अल्टरनेटिव, तो ये आपको ऑलरेडी मालूम है, ग्रेटर देन जीरो फंक्शन इज इंक्रीजिंग, आंसर लिख देना ज्वाइन करके यूनियन से, इसको और इसको एक साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना जरूर गाइज। इन सारे क्वेश्चंस को आज की डेट में सॉल्व कर लेना, जो मैंने बताए हैं पहले वो करना, और जो मैंने आपके लिए छोड़े हैं फिर वो करना, आपका टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन ज़्यादा ध्यान से करना, सावधानी बरत के, ओके।
थैंक यू।